गए गुड मॉर्निंग पहला कैसे आप सब बढ़िया होंगे बड़े होने भी चाहिए। तो गाइज मैं भी एकदम मस्त हूँ आगे एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैंने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग किया है 8 बजे से और बाहर धूप भी नहीं आई है, ठंडे का मौसम हो रखा है, देख लिया होगा मौसम कैसा है। तो पहाड़ में तो स्नोफॉल और फिर से हो गया है, तो अभी गाँव में नहीं पहुँची है। तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग अंदर से ही कर रही हूँ, बाहर हवाएं चल रही हैं। तो अब मम्मी लोग भी ऊपर में है किचन में नाश्ता वास्ता बना रहे हैं सब लोग। तो नाश्ता भी नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हुआ होगा फिलहाल तो अभी। तो उसके बाद बैचम भी जाना है आज मुझे, और मम्मी को भी जाना है, और उसको मम्मी जा रही है कलश यात्रा में, वो बदल दूंगा ऐसी। तो दोस्तों बताओ उत्तरायण की तैयारी कैसी चल रही है? तो हम भी जाएंगे कल परसों, फिलहाल तो आज नहीं जा रहे हैं, आज खाली दीदी जा रही है, बागेश्वर जा रही वो भी। तो फिलहाल तो अब बैचम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको मैं रास्ते में। आगे धूप और मौसम देख सकते हैं कैसा है, साथ साथ में धूप भी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं कलश यात्रा में। तो पहले मेरा कोई फिक्स नहीं था, तो अब मेरा भी फिक्स हो गया है। ये रहा मेरा गेटअप, तो आपको मैं पूरा गेटअप दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा गेटअप, हम जा रहे हैं कलश यात्रा में, मम्मी लोग चले गए हैं, तो अब बस हमारी देरी है, हम भी जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो आपको मैं वहाँ का पूरा दिखाती हूँ, कलश यात्रा हमारे यहाँ औरतों का कैसे होता है, तब तक के लिए बने रहे। तो दोस्तों आपने हमारा पहाड़ी गेटअप देख लिया होगा, तो अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं और मम्मी लोग तो चले गए हैं पहले ही बता दिया। अब नीतू और मैं रहे हैं और नीतू तैयार हो रही है, अभी तक नहीं हुई है, मैं 5 मिनट में तैयार हो गई हूँ, बस अब जाने की ही देरी है। तो दिखाती हूँ आपको मैं रास्ते रास्ते में। तो ये रही नीतू और मैं, नीतू भी हो गया, नीतू का गेटअप भी मेरे जैसा है सेम। तो अब बस जाने की देरी है, बाय हम चले। और ये मम्मी लोग भी जाने लग गए, ये हमारे यहाँ का पहाड़ी गेटअप, ये चाची लोग और मम्मी भाभी। तो यहाँ के लोगों का गेटअप ऐसी है हमारा, तो मेरा भी कोई फिक्स नहीं था पहले, तो नहीं तो बता देती तो जल्दी अचानक में तैयार होगी, क्योंकि मेरे साथी होगी थी मेरे साथ, तो मम्मी लोग ही जा रहे थे, चाची लोग ये। तो मम्मी लोगों ने नथ मांग टीका भी पहना, हमने नहीं पहना क्योंकि हम अभी थोड़े कुंवारे हैं, तो लोगों में जाना अच्छा ही नहीं लगता है उतना। तो ये रहे हमारे यहाँ के, फिलहाल तो हम इतने ही हैं। तो इनका गेटअप देख सकते हो, पिछौड़ा घाघरा। और ये हमारी पार्टी में तलाई के, ये घाघरा पिछौड़ी सब, तो हम भी इनके साथ पार्टी में। तो अब हम रोड रोड ही जाएंगे, मतलब भद्रतुंगा तक, और ये यात्रा भद्रतुंगा बाबा जी के यहाँ तक है, भद्रतुंगा तक, साथ में हिमालय का व्यू। आज मौसम ने भी साथ दे दिया। ये हमारी चाची लोग, तो साथ साथ में भजन भी चल रहे हैं। अब दो लाइनें लग चुकी हैं। ये नीतू, आज तो बहुत खुश लग रही नीतू, ये नीतू का गेटअप। बाप रे ये धूल। ये रहे इतने सारे लोग हैं, जय जय राम श्री राम। ये हम जय जय राम श्री राम। ये मिला मेरा स्कूल ब्रो,
अभी 11th में पढ़ता है। हाय तो बोल। ये हमारे श्रद्धालु भक्तजन ये खुश होने के कारण सब्सक्राइब कर देना इसको प्लीज। ये हमारे छमके भी मिल गए रास्ते में। जो भी माता है बहने क्लास टाइम है तो वह आगे चले जाए फ्रंट में जो जिनके पास। अब एक क्लास वालों को आगे कर दिया है हमारे यहाँ के लाए हैं क्लास। अब जल्दी बाजी मकरो धीरे धीरे चलो दो लाइन। YouTube में गाना क्लिप कर दिया लेकिन जो ये गुरु जी थे जिनका फोटो लगा है गाड़ी में उनके पास ऐसी शक्ति थी कि कहते हैं कि जब वो संघ बजाते थे इस समय जय श्री राम। सब लोग बड़ी बड़ी आवाज में बोलो के चलते हैं हमारी रीति रिवाज जो है माइक में कितने बोला हरी अब ये जाने लग गए इस साइड के रास्ते। अब रोड रोड नहीं जाएंगे तो अब यहाँ से रोड का रास्ता खत्म होता है तो अब हम ऐसे वाले रास्ते में जाएंगे फिर जाते हैं हम बाबा जी के महल में। तो मेरे यहाँ के तो आगे चले गए हैं सब मैं ही मैं रह गई हूँ मतलब रास्ता ही ऐसा है। हाँ तो अब पहुँचने वाले ही हैं हम। तो देख सकते हैं हमारी हालत कैसी हो गई है मिट्टी से। हमारी ये यहाँ के यहाँ से लेकर ओ वहाँ तक दिख रहे हैं ये बहुत दूर पहुँच चुके हैं मैं तो पीछे रहेगी। ये मेरे लोफर भाई लोग घूम रहे हैं कितने दूर से आए हैं। फास्ट सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं बहुत। तो ये पहुंच चुके हैं हम बाबा जी के कुटिया में। दीदी ये अब अंदर जा रहे सब। जय राम श्री राम।
तो अब जा रहे हैं हम अंदर बाबा जी के कुटिया में, सब जाने लग गए हैं। हेलो, ये सोमवार दी बाप रे आज भी मूवी है। नमस्कार एंड सब्सक्राइब करें। क्या कहते हैं, शुभ प्रभात। तो ये आज मिल रही है कब से? तो यहाँ से सब चुपचाप जैसे हो गए हैं, शांति। 2023 श्री स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज भद्रतुंगा में श्री माँ सरयू के उद्गम स्थान पर आयोजित श्री बाबा जी के द्वारा, ये रहा हमारे बाबा जी का मंदिर ऋषियों का। तो अभी इसके अंदर बैठने की तैयारी चल रही है, बाबा जी ने बहुत सारी व्यवस्था की है, ये बैठ गए हैं। तो मैं यहाँ से आपको बाहर का दिखाती हूँ, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग में गए हैं ये। तो इसके पीछे मंदिर है, वहाँ नहीं जाएंगे शायद। तो ये रहा बाबा जी का घर। अभी तो क्या है, माघ महीने में जल भी चढ़ा सकते हैं, अब तो सावन सोमवार को माघ। तो अब यहाँ सब प्रसादी ले रहे हैं। तो ये चाची और नीतू की फोटोग्राफी चल रही है। तो अब यहाँ खाने की भी व्यवस्था है, मतलब तो आप सब खाना खाने जा रहे हैं, तो अब हमें भी जाने चाहिए। तो चाची थोड़ा फोटोग्राफी कर रही है तो उसको रुके हैं। तो अब हम भी खाना खाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम भी खाना खाने जा रहे हैं, मम्मी लोग तो चले गए हैं, बस हम तीनों का ये अलग है फोटोग्राफी ये वे। चाची भी हमारे साथ पागल हो गया आज, तो हम भी जाते हैं खाना खाने, फिर दिखाती हूँ आपको मैं लंच टाइम। तो हम बैठ गए खाना खाने और ये हमारे उसमें सब्जी डाल दी है ये। तो हमने लंच भी कर लिया है, बस अब घर जा रहे हैं, और घर के लिए प्रसादी भी ले ली हमने। तो अब हम घर के रास्ते लग गए हैं और घर जाने भी लग गए हैं ये हम सब लोग। हाय गाइस, गुड नाइट। अब चाची भी गुड नाइट बोलने लग गए हैं, पगली गई है ये भी। तो दोस्तों हम पहले रोड के रास्ते आए थे, तो अब रोड के रास्ते नहीं जा रहे, तो हम तसला ले अपने रास्ते जा रहे जहाँ हमारा रास्ता है, तो उसके रास्ते जा रहे हैं। बहुत थकान हो गई है ये घाघरा पहन के। तो अभी हम मंदिर के रास्ते जाएंगे, बहचमदार मंदिर के रास्ते, तो वहाँ भी फोटो शूट करेंगे। ये हमारे यहाँ के तो इतने ही हैं। तो हम पहुँच चुके हैं बहचमदार में ये। तो मैं भी बजाती हूँ। थकान भी हो गया बहुत ही ज्यादा ये। तो
हमने मंदिर में भी फोटोग्राफी कर ली है, अब मम्मी के साथ होगी मेरी फोटोग्राफी। तो दोस्तों अब घर ही पहुंचने वाले हैं हम, धार में पहुंच गए हैं, तो जहां से हमारा गांव दिखते हैं, तो अब तो घर जाके ही मिलती हूँ। देख सकते हैं हालत कैसी हो गई है, इन कपड़ों में चला भी नहीं जा रहे हैं, तो मिलती आपको मैं सीधा घर जाके। तो आज तो घुपती तैयार भी थी, दिया लोगों ने बना दिए है और हमारा अभी तक किसी ने नहीं बना रखे हैं, तो घर जाके बनाऊंगी मैं भी, देखती हूँ या रात को ही बनाएंगे। दिया लोगों ने तो बना दिया यार, हम कब बनाएंगे अब, हम तो रात को ही बनाएंगे शायद, अब तो कब बनाते हैं, फिर धूप भी चलेगी है। वैसे आज शाम को बनाते हैं और उसके बाद कल सुबह डालते हैं। तो दोस्तों अब हम घर भी आ गए हैं और कपड़े चेंज भी कर दिए हैं, बस अब कपड़े सपड़े धोने हैं, आज के तो बहुत ही ज़्यादा मैले हो गए हैं।